हेलो, मैं हूं सुखेंदु और आप सभी को मूवी डेयरी चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के अंदर आपको दिन भर मिलेगा फिल्मी दुनिया से काफी सारे अपडेट्स, रिव्यूज, रिकमेंडेशंस, रिएक्शंस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में। इसीलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी एक वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। आ गया हूँ आज की काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर। वैसे आज मैं शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स दे चुका हूँ, आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनने वाला है, इसीलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस साल की एक कन्नड़ मूवी जिसका नाम है सप्त सागर दाचे इलो। ये एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी है। इसका एक फर्स्ट पार्ट मतलब साइड ए रिलीज हुआ है। अभी कुछ ही दिनों में इसका मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्षन भी रिलीज कर दिया जाएगा। आपको बता दूं इस फिल्म के अंदर लीड रोल पर है रक्षित शेट्टी। अगर अगले फिल्म की बात करूं तो इस साल की मच हाइप्ड फिल्म, मच अवेटेड फिल्म सलार, स्टारिंग प्रभास, डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील। इस मूवी का बहुत ही हाइप है, ये सबको पता है। अब इस मूवी का OTT और सैटेलाइट राइट्स रिकॉर्ड अमाउंट पर सेल हो चुका है, 350 करोड़। मतलब ये अभी तक इंडिया की हाईएस्ट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था बाहुबली के पास 320 करोड़, अभी ये हो गया है 350 करोड़। आपको बता दूं OTT राइट्स खरीद लिया है नेटफ्लिक्स और सैटेलाइट राइट्स खरीद लिया है स्टार। इस साल की एक और एंटीसिपेटेड मूवी नानी और मृणाल ठाकुर स्टारर मूवी हाई पापा या फिर तेलुगु में हाई नन्ना। इस मूवी का जो पहला गाना है जिसका नाम है साया तेरा, मतलब हिंदी में साया तेरा, इस गाने को 16 सितंबर रिलीज किया जाएगा। ये एक लिरिकल वीडियो होने वाला है। अगर अगले फिल्म की बात करूं तो मुकेश कुमार सिंह डायरेक्टेड मूवी कन्नप्पा, जिसके अंदर लीड रोल पर विष्णु मंचू और कृतिका सैनन की बहन नूपुर सैनन नजर आने वाली है। इस फिल्म के अंदर प्रभास का एक कैमियो रहने वाला है 15 से 20 मिनट तक। और ये जो कैमियो है, इस कैमियो के अंदर उनका रोल होगा लॉर्ड शिवा का। नितेश तिवारी की अपकमिंग जो फिल्म है रामायणा, इसको लेकर डमाडोल खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ हो ही रहा है। अब लेटेस्ट गड़बड़ हो रहा है प्रोड्यूसर्स के अंदर। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और मधु मंटेना, ये दोनों जो है को प्रोड्यूसर है इस फिल्म का। इस फिल्म को लेकर इन दोनों के बीच एक क्रिएटिव डिफरेंसेस पैदा हो गया है। दरअसल बात ये हो गया है कि आदि पुरुष डिजास्टर होने के बाद कोई भी एक्टर अब इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से मधु मंटेना को, जिसको अपॉइंट ही इसलिए किया गया था ताकि काफी सारे एक्टर्स को इस फिल्म के अंदर इंक्लूड कर दिया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए इन दोनों प्रोड्यूसर के बीच डिफरेंसेस पैदा हुआ है। तो शायद ये फिल्म अभी और भी डिले हो सकता है। मुझे तो पूरा डाउट है ये फिल्म बनेगा भी या नहीं। अगला अपडेट ये है कि करण जौहर प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टर विष्णु वर्धन डायरेक्टेड मूवी, एक एक्शन मूवी जिसके अंदर लीड रोल पर सलमान खान नजर आने वाला है। पहले सुनाई दे रहा था कि इस फिल्म के अंदर सलमान खान के ऑपोजिट त्रिशा कृष्णन नजर आ सकती है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये कह रहा है कि इस फिल्म के अंदर त्रिशा कृष्णन नहीं, शायद इस फिल्म के अंदर सलमान खान के ऑपोजिट समांता राउत प्रभु भी नजर आ सकती है। अब ये पता नहीं कौन इस फिल्म के अंदर काम करेगी, लेकिन अगर समंता इस फिल्म के अंदर काम करेगी तो ये जो फिल्म है ये उनके लिए बॉलीवुड डेब्यू होगी। आपको याद है बचपन का वो शो टाकेशी'स कासल? जी हाँ, ये शो लौट रहा है नए सीजन के साथ, और इस बार टेलीविजन के अंदर नहीं OTT पे लौट रहा है। Amazon Prime पर इस शो को लाया जाएगा। और आपको बता दूं इस बार इस शो के पीछे जो वॉइस ओवर रहने वाला है वो रहने वाला है YouTube सेंसेशन भुवन बाम की। लेकिन भुवन बाम की जो कैरेक्टर है टीटू मामा, उस कैरेक्टर की जो आवाज है वही आवाज रहने वाला है इस शो के अंदर। कुछ ही दिनों से ये स्पेक्यूलेशन चल रहा था कि एक्चुअली इस जवान मूवी के बाद नेक्स्ट जो फिल्म है वो शायद अल्लू अर्जुन के साथ कर सकता है। अभी इस स्पेक्यूलेशन पर सील लगा दिया है खुद अल्लू अर्जुन, क्योंकि एक रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट जो उन्होंने किया है उसके अनुसार ये फिल्म जरूर बन रही है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय सिनेमा।